नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका के राजकीय मेहमान होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और निवेश को लेकर कई अहम समझौते और बातचीत होगी। इससे पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कहा कि पीएम मोदी से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन भारत में लोकतंत्र के हालतों का मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि बाइडेन पीएम मोदी को लेक्चर नहीं देंगे। सुलिवन ने कहा, जब भी अमेरिका को भारत में प्रेस या धार्मिक आज़ादी को लेकर चिंता होती है तो हम उसे जाहिर करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा, भारत की राजनीति और वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ये भारत और वहाँ के लोग तय करेंगे, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। सुलिवन ने यह भी बताया कि पीएम मोदी का यह दौरा चीन के बारे में नहीं है। हालांकि चीन की बढ़ती सैन्य, तकनीकी और आर्थिक ताकत एजेंडा का हिस्सा है। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दखल अंदाजी कर परेशानियां खड़ी कर रहा है। ऐसे में दोनों चीन से निपटने के समाधान पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।